हेलो दोस्त, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोबारा आपकी मेरे हमारे यूट्यूब चैनल विक्ट्री लैब पर। मेरा नाम है GRC। और दोस्त, आज की वीडियो में अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में? भैया, कास्टिग्लियानोस थ्योरम का डेरिवेशन चैनल पर अपलोड हो चुका है, उसको जाके डेफिनेटली देखिए अगर आपने नहीं देखा हो तो। आज अपन इस वीडियो में बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल के बारे में, एंड उस डेरिवेशन में मैंने आपको ये भी समझाया कि कहाँ पर वर्चुअल लोड लेना है, कहाँ पर आपको मोमेंट वर्चुअल मोमेंट लेना है अगर आपको डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालना है, जहाँ पर क्या एक्सटर्नली लोड और डिफ्लेक्शन नहीं दिया है, तो फलाना सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है। अपन आज की वीडियो में बात कर रहे हैं किसके बारे में, न्यूमेरिकल है कास्टिग्लियानोस थ्योरम पे। और क्या है इस जो कास्टिग्लियानोस थ्योरम का जनरली यूज़ कहाँ होता है भैया? इसका यूज़ होता है कोई पॉइंट पे स्लोप या फिर डिफ्लेक्शन निकालने में, ठीक है? तो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड करने की मेरी बहुत कोशिश चल रही है और मैं कंटिन्यू कर भी रहा हूँ। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए यार, एंड डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करिए, कई हद आगे अपने को जाने और अपन सही में फोड़ देंगे, सही में फोड़ देंगे, ठीक है? तो चलिए भैया न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। भैया आज की वीडियो में अपन ये न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सारे कंटिन्यूअसली सारे नोट्स अपने प्रिपेयर होते जाएंगे। तो बोला है फाइंड द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम हैविंग कंसेंट्रेटेड लोड एट द फ्री एंड। काफी बेसिक से न्यूमेरिकल है। बोला है क्या है, कैंटिलीवर बीम है जिसका फ्री एंड W है और L लेंथ का है, फ्री एंड पे लोड लग रहा है एक्सटर्नल लोड वो है W और लेंथ L है, ठीक है? तो यहां पर बोला है कि डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम, तो ये जो क्या होगा W की वजह से कुछ इस तरीके से झुक जाएगा, तो यहां पर ये जो डिफ्लेक्शन आएगा ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि भाई आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, भले एंड सेमेस्टर या फिर गेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, नाम है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। एप्टीट्यूड मतलब आपके दिमाग का, आपने इंजीनियरिंग को कैसे अपने अंदर फील किया है, एप्टीट्यूड उसी का मतलब होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर परीक्षा किसके लिए जाती है, आपकी 600 से 700 फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं, जो कि बड़ी अजीब सी चीज़ है बट होती है, क्या करोगे? तो फॉर्मूले आपको याद करके चलने पड़ेंगे भैया, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, एक फॉर्मूला कॉपी बना लो, उसमें सारे फॉर्मूले लिखो, क्योंकि फिर भी यहाँ गेट में ना आता तक क्वेश्चन नहीं बनेगा, सीधा फॉर्मूले लगाने वाले क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ बहुत ड्रॉबैक है बट क्या करोगे, है तो है, ठीक। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला अपने को पता है क्या, इंटीग्रेशन 0 to L m² / 2 EI (dx), ठीक। तो मोमेंट अपन इस पॉइंट से लेंगे, फ्री एंड से, और मोमेंट ले रहे हैं तो क्या होगा, ये पॉइंट लोड है तो मोमेंट इक्वल m = W × x, ठीक है? m = W × x होगा और वो x का क्या है, फंक्शन है, ठीक है भाई? क्योंकि मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो मोमेंट क्या होगा, W × x होगा। तो जब मैं इसको यहां पर पुट करूंगा तो मेरा टोटल स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगा। तो स्ट्रेन एनर्जी आपको सेपरेट कैलकुलेट करना है, उसके बाद कास्टिग्लियानोस थ्योरम के तहत अपने को क्या करना है, इस पॉइंट पर अपने को डिफ्लेक्शन निकालना है, जिस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना है वहां पर एक्सटर्नली लोड होना चाहिए, नहीं होगा तो क्या करेंगे, पर वर्चुअल लोड लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन काफी बेसिक सा है, एक्सटर्नली लोड अवेलेबल है, तो ये जो फंक्शन आएगा उसको क्या करेंगे, W के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे इस इक्वेशन को, ठीक है? डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कास्टिग्लियानोस थ्योरम के तहत आपका आंसर आ जाएगा। तो आप, तो ये एक तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है जो मैंने आपको कास्टिग्लियानोस थ्योरम के डेरिवेशन में बताया था, कि क्या ये जो आपने कास्टिग्लियानोस से निकाला ये और जो आपका बेसिक फॉर्मूला है, स्टेप बाय स्टेप ना करके आप क्या करो, दोनों को मर्ज करके कॉमन फॉर्मूला बना लो, तो बात वही है, फॉर्मूला रटना पड़ जाएगा, तो डायरेक्टली इसमें लगाओगे तो आपके यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगा उतना, क्योंकि आपको याद करने वाला पार्ट ज़्यादा है, ये आपका लॉजिक बिल्डअप कर रहा है, तो इस वे से आप अगर बढ़ते हो तो ये बेटर रहेगा। तो आज के वीडियो में यही कुछ बेसिक न्यूमेरिकल था, एंड मेन मेरा आपको इस वीडियो में ये सिखाना है, मैं ये सिखाना चाह रहा था कि आपको इस क्वेश्चन में डमी लोड वगैरह कहीं की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आगे अपन क्वेश्चन देखेंगे जहां पर क्या एक्सटर्नली लोड किसी पॉइंट पे अप्लाइड नहीं रहेगा, तो वहां पर डमी लोड लगा के या डमी मोमेंट लगा के कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों की हेल्प करते रहिए।